नमस्कार साथियों, आर जी के फॉर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आंगनवाड़ी पाठशाला केंद्र नंबर 2 ग्राम पंचायत छत्रगढ़ जिले बीकानेर सरपंच रुखसाना सद्दाम हुसैन भाटी सामुदायिक भवन भी है यहाँ पर। और कैसा चल रहा है देखेंगे तो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं कृष्णा जी भाटिया, सुमन जी मीणा साहिक का, संतोष कुमार जी, और ये इनका टाइम टेबल रहता है दैनिक, है ना। प्रार्थना है, व्यायाम है, अल्पाहार है, भाषा सत्र है, रचनात्मक कार्य है, बौद्धिक विकास कार्य है, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि बच्चों को भोजन भी परोसा जा रहा है, बच्चे खा रहे हैं, है ना। वो उधर देखो हाथ धो रहे हैं, अच्छा है। ये व्यवस्था देख लीजिए, गिनती है और ABCD के माध्यम से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हिंदी बोल है और इसके बाद पहाड़े भी हैं, है ना। नमस्कार, स्वागत है जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और कैसे चल रहा है केंद्र? बढ़िया चल रहा है। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं, बढ़िया है। और बच्चे आ रहे हैं सुबह 8 बजे से, हाँ, और 12 बजे तक केंद्र चल रहा है। अच्छा। बच्चों को खेल और गतिविधि करवाते हैं। क्या बात है, खेल है। हाँ। और जिससे खेल खेल में सिखाती है बच्चों। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ LED भी लगा रखी है ना, LED के माध्यम से भी बताते हो क्या? अच्छा, पंखा नहीं है, ग्रामीण सहयोग नहीं कर रहे क्या? पंखा तो अभी बोला है गांव सरपंच साहब के लगाने, पंखा तो वैसे तो हमारा लाया हुआ है, लगाने के लिए दिक्कत आ रही है। अच्छा, लगाने का कहते तो हम लगा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा देते हैं आपको वैसे ही। और पंखे की तो आवश्यकता है, सरकार की एलईडी दी हुई है, गैस सिलेंडर खुला है खाना बनाने के लिए, और अलग अलग हफ्ते में 3 बार मनाते हैं, एक सोमवार को खिचड़ी, एक दिन दलिया और उपमा। दलिया खिचड़ी वगैरह सब वितरण होता है ढंग से? सब वितरण टाइम टाइम समय समय पर वितरण भी होता है, और बच्चों को खिलाते भी है मीठे मुरमुरे, वो नाश्ते के लिए वो भी सरकार के लिए। और छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, हाँ, 3 से 6 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष बच्चे नींव मजबूत कर रहे हो, अच्छी बात है। खेल खेल में सीखते हैं बच्चे। क्या बात है, बहुत शानदार। इसी तरीके से आप सहयोग करते रहे और बच्चों को पढ़ाते रहे, यही उम्मीद करते हैं। आप इसी तरीके से कार्य करते रहें, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मिल करके। और हमारे साथ एक साथी भी है जी। केंद्र में सब सही चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। टाइम टाइम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? शाबाश, ये हमारे को भी लग रहा है ठीक। तो आप केंद्र के बारे में अगर कोई कमी है या कोई सहयोग की आवश्यकता है ग्राम पंचायत के माध्यम से, वो बताइए क्या आवश्यकता है। जो यहाँ पे खिड़की है ना, हाँ, इसमें कांच नहीं लगे हुए। अच्छा। जब बरसात आती है तो कांच मतलब पानी अंदर आता है, सब कोई सामग्री है, कोई और है, बहुत सारा आता है, वो सब भीग जाता है, इसकी बहुत दिक्कत रहती है। चलो, मैं भी ग्राम पंचायत के माध्यम से सरपंच साहब से निवेदन करूंगा। और आपने पहले लिखित में कुछ दिया है क्या? लिखित में दिया है। अच्छा, तो जल्दी सुधार होगा इसमें और सब मिलकर के काम करेंगे ठीक है। धन्यवाद। देश करेगा तभी विकास, हर युवती होगी 10वीं पास का ये योजना है, उर्मल ट्रस्ट की तरफ से ये चलता है, हाँ, और 10वीं पास करवाते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, हाँ बताओ, 10वीं और क्या मैटर है ये उर्मल से कुछ संस्था और एजुकेट गर्ल की जो संस्था है ना, उसके माध्यम से मतलब ड्रॉप आउट शिक्षार्थियों लड़कियों को ना 10वीं पास करवाई जा रही है। क्या 10वीं पास कराने के लिए सहयोग दिया जा रहा है उनके लिए, उर्मल से कुछ संस्था की तरफ से किताबें कॉपियां और पेन दिया जा रहा है, और रेगुलर कैंप में आके उनको 3 घंटे मतलब शिक्षा दी जाती है। क्या ने कैंप को चला रखा है राम प्यारी जी हैं, और ये 10वीं पास करवाते हैं, और फॉर्म फीस वगैरह थोड़ी बहुत लगा, हल्की फुल्की जो फॉर्म फीस वगैरह लगती, बाकी कुछ नहीं लगता, इनका ये मानना है ठीक है। तो ये आपने जो संस्था चला रखी है, इसमें अगर किसी तरह का आपको सहयोग चाहिए, ग्रामीणों का सहयोग चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कोई सहयोग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। रेगुलर आ तो रहे हैं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने कभी ग्राम पंचायत को बताया? हाँ, अभी 2 दिन हुए कैंप को उद्घाटन किए हुए, सरपंच साहब से हमने अनुरोध किया है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी से जल्दी। चलो, हम भी कह देंगे, सरपंच साहब निवेदन करेंगे कि इस प्रकार से अच्छा जो शिक्षा के प्रति आप जागरूकता फैला रहे हो, बहुत अच्छी बात।